ओके वेजिटा, टाइम आ गया है। किसके लिए? बोटारा के लिए। हमें फ्यूज होना होगा उन्हीं की तरह। एक मिनट, तुम और डैड कंबाइन हो सकते हैं? बहुत बढ़िया आइडिया है, मुझे लगा था तुम ये नहीं करोगे। मैं बिल्कुल सही लगा था, हमने ये करना छोड़ दिया है, अब मैं इसे वापस नहीं करने वाला। क्या? तुम्हारी तरह मुझे भी ये नहीं पसंद है वेजिटा, लेकिन अगर हमें ऐसी पावर बूस्ट की जरूरत है जो इसकी बॉडी को तोड़ सके, तो यही हमारा बेस्ट और लास्ट चांस है। ट्रंक्स, तुम्हारे पास वो सेंसू बीन्स हैं? हाँ, ये रहे। ऑल राइट, गुड लक। थैंक यू वेजिटा, अभी नहीं तो कभी नहीं। एक बात मैं हमेशा सोचा करता था कि लास्ट टाइम जब हम फ्यूज हुए तो प्राइस ने कहा था ये परमानेंट होगा, लेकिन फिर भी हम अलग हो गए। जानते हो क्यों? जब इसमें कोई सुप्रीम काय शामिल होता है तब ये परमानेंट होता है, वरना ये सिर्फ एक घंटे के लिए ही रहता है। तो बस एक घंटे की फाइट के बाद हम वापस नॉर्मल हो जाएंगे। अब कम ऑन, चुप हो जाओ। उसे एक और शब्द निकाला ना तो मैं मना कर दूंगा। तो हो जाए, अब बस एक ही घंटा बचा है। ये हुई ना बात। World for all got me. तो एक साथ मर्ज होकर डैड और गोकू ऐसे दिखते हैं। इनकी कंबाइंड एनर्जी तो अमेजिंग है। बोटारा एरे, तुम्हारा मजा खत्म नहीं होता। तुम बेचारे मॉर्टल्स हमेशा देवताओं की बराबरी करने का सोचते हो, आखिर ऐसा क्यों? इसलिए ना कि हम देवता अमेजिंग होते हैं। तुम लोग हमारी पेटेंट ड्यूटी के लिए इतनी कोशिश करते हो, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी ये कोशिश पूरी तरह फेल है। देवता जो भी करता है वो सुंदर होता है क्योंकि हम देवता प्योर होते हैं, जबकि वही काम इंसान करेगा तो वो बुरा होगा क्योंकि वो बुरे होते हैं, अपने पाप से दागदार और रूढ़ होने के लिए सॉरी, अब तुम पूरी तरह से कंट्रोल के बाहर हो। तो आओ अपना बेस्ट शॉट दो, मैंने तुम्हारे बहुत उद्देश्य सुन लिए हैं। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पैरों में झुक जाऊँ तो तुम्हें अपनी ताकत दिखानी होगी। तुम मेरे पैरों में झुकोगे? मैं नहीं चाहता मॉर्टल, मैं तुम्हारे बात चाहता हूँ। Thank you.
लगता है सिर्फ तुम्हें ही चाल चलना आता है। आई एम सॉरी कि ऐसे तुम्हें तकलीफ हो रही है। तुम इनविंसिबल नहीं हो। बिल्कुल ये खाओ ज्यादा देर नहीं रहेगा। मैं इनविंसिबल हूँ, कोई अटैक मुझे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। शायद मैं थोड़ा लड़खड़ा हूँ, लेकिन रहूंगा मैं हमेशा के लिए। मैं तुम्हें और सारे मॉडल्स को खत्म कर दूंगा और एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जो दागदार नहीं होगी। मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ। हाँ? अब तुम प्योरली इनविंसिबल गॉड नहीं रहे और अब तुम कभी मॉडल्स को खत्म भी नहीं कर सकते। हाँ? देखो अब तुम मर्ज्ड हो गए हो, तो तुमने कुछ ऐसा अपने साथ ले लिया है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाला है मरते दम तक। वो है गोकू की मॉर्टल और डिस्ट्रक्टिबल बॉडी। तुम सब मॉर्टल से कैसे होते हैं? अज्ञानी और बेवकूफ। तुम्हें लगता है कि तुमने कोई नई बात की है। गोकू की बॉडी हमेशा मेरा हिस्सा रहेगी, ऑफ कोर्स रहेगी। यही तो मेरी विश थी। तुम मॉर्टल हो से फिर भी तुमने डिवाइन पावर हासिल किया। अब तुम ज्यादातर देवताओं से भी ज्यादा पावरफुल हो और कॉस्मस को बनाने वालों ने कुछ ऐसा बना दिया जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाते। और अगर आप दुनिया में कंट्रोल नहीं कर सकते तो आपको तो देवता नहीं कहा जा सकता। सेल्स गाइस के सबसे बड़े फेलियर के सिंबल्स। इसलिए मैंने गोकू के फ्लैश को अपने अंदर शामिल करके मैंने मॉर्टल्स के पाप और गाइस की डिविनिटी के फेलियर को मान लिया है ताकि अब वो कभी रिपीट ना किए जा सके। ये एक सच्चे देवता की ड्यूटी होती है। हर बात का जवाब है तुम्हारे पास, है ना? ऑफ कोर्स, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ कॉस्मोस की, इस क्रिएशन की भलाई के लिए। क्या तुम सच में रो रहे हो? मैं रो रहा हूँ। तेरे आंसू इस बुरी दुनिया को पवित्र कर देंगे। मॉर्टल्स, तुम्हें खत्म होना ही होगा। एक प्योर और परफेक्ट मल्टीवर्स जो समाजों के हाथों साथ किया गया। मैं तुम्हें रोकूंगा। क्या इस सचमुच से हरा पाएंगे? देखो उसे, उसकी बॉडी अनस्टेबल हो रही है, वो अपना रूप खो रहा है। किसी भयानक चीज को पेस्ट करके अपने फिजिकल अवतार को वो अपने अंदर महसूस कर रहा है। ऐसा कैसे? वो इंसानों और देवताओं की अच्छाई बुराई को लेकर ऑब्सेस्ड है। अगर इंसानों में विजडम की क्षमता होती तो वो अक्सर फेल क्यों होते? और अगर देवताओं को उनकी हरकतें बुरी लगती तो वो उसे बर्दाश्त क्यों करते? देवता और इंसान अलग होते हुए भी एक जैसे कैसे हो सकते हैं? इस सब का क्या मतलब बनता है? सामासू को खूबसूरती पसंद है, फिर भी उसके शरीर को देखो, नफरत और गुस्से ने उसे कैसा बना दिया। मैं हैरान हूँ कि क्या वो यही रिजल्ट चाहता था? टूटा बेशक्ल देवता पूरे कॉस्मोस में अकेला, ऐसे में वो संपूर्ण कैसे हो सकता है? ट्रंक्स, आपने इसे बना दिया। ट्रंक्स, तुम ठीक तो हो? हाँ। ओ हाँ, ये हारू और माकी ने प्रॉमिस करवाया था कि मैं तुम्हें ये दूँ। चलो ट्रंक, तुम कर सकते हो। हार मत मानना। हार मत मानना। उसे सबक सिखाओ। हार मत मानना। उसे सबक सिखाओ। मुझे पहले से ये देखना चाहिए था, वो मैं ही हूँ जिसे उसे रोकना है। ये मेरा वर्ल्ड है, मेरी फाइट है। अपनी परफेक्शन नहीं दिखाना।
ये क्या हुआ? मुझे लगा उनके पास एक घंटा है। उनकी अपार शक्ति ने समय को जल्दी खत्म कर दिया।